अच्छा कर रहा हूं। आपने ये राग अंडों पे बिठा गए और उनमें से बच्चे पैदा किए हैं। गर्म पानी मंगाऊं आपके लिए? अपने गले को मजबूत से मुझे बताएं, मैं दबाता हूं। ऑलरेडी कवाले तो आए हुए थे। अच्छा, मैं भी इनवाइटेड था। तुम देख के नस गए? नहीं नहीं। तो आपकी सबसे बड़ी दुश्मनी जो है वो पटियाला खानदान के साथ है? यार रोजी नहीं ले रहा, ये अल्लाह ताला की इच्छा तो है। जहाँ पे मैं जी जाता हूँ, जगह जगह पे छोटे बच्चे बच्चे जी कहते हैं, पांच मेरे रेडी हैं और मेरा ख्याल नेक्स्ट वीक में मेरा एक और आएगा इंशाल्लाह। मेरे मैंने सुना है कि वो जब आप गाना गाते हैं तो मेहंदी हसन साहब की रूह बड़ी तड़पती है, आपके ख्वाब में कभी वो आए हैं? तो आपको बाहर कौन निकालता जब आप डूब जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा शराजी। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम हर वक्त आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आते हैं, तो हमारी हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को हिट किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज जिस पर्सनैलिटी और लेजेंड के साथ आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो किसी से ढकी और छुपी नहीं है। पूरी दुनिया में चंद अरसे में उन्होंने अपना नाम बनाया और आसमान की बुलंदियों तक छा गए। रातों रात ऐसे वायरल हुए कि हर बंदे की ज़ुबान पर उनका नाम चढ़ गया। अगर आपको ये कहूँ कि उन्होंने जितने भी सुर हैं उनका खाना ख़राब कर दिया तो ये झूठ नहीं होगा, क्योंकि आपने थंबनेल भी देखा है। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं चाहत फ़तेह अली खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शान मक्का, मेरी जान मदीना, मेरी पहचान पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं चाहत फतेह अली खान ऑल द वे फ्रॉम लंदन, बट राइट नाउ इन लाहौर। माशाल्लाह जी, शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले शुक्रिया। नहीं, आपकी मोहब्बत सर, आपकी पूरी टीम का, आपकी मोहब्बत सर, आपका प्यार सर। तो आप ये बताएं कि आपको ये कब और कैसे ख्याल आया कि आप भी गुलूकार हैं? मैं एक्चुअली शौक तो जी बचपन से ही था जी जी, सिंगिंग का, मॉडलिंग का, एक्टिंग का, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपने कब अल्लाह ताला ने आपसे पूरा काम लेना होता है। लेकिन 8 साल पहले जनवरी फरवरी 2017 से मैंने सोच लिया कि मैंने सिंगिंग ही करनी है, ठीक है, सीखना है और इंटरटेनमेंट भी करनी है और अपने देखने वालों को खुश करना है। सबसे पहले ये बताइए कि आप सुबह उठते सार कितने बजे उठते हैं और कहां तक अपना मूड होते हैं? तो आप ये बताएं कि आप यहां से यूके गए, आप तो आप क्रिकेट बेस पे गए, क्रिकेट खेलते थे आप, तो क्रिकेट का खाना खराब अच्छी तरह आपने किया, उसके बाद आप माशाल्लाह। पता क्या जी, बात ये है कि मैं DC गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में क्रिकेट बेस पे मेरा एडमिशन हुआ, फिर उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। Good. और मैंने LCCA की तरफ से, लाहौर सिटी की तरफ से और लाहौर डिवीजन की तरफ से भी ये क्रिकेट खेली है। और मैं जब फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गया हूँ तो क्रिकेट के बेस पे ही गया। तो आपने जो वहाँ पे इंग्लैंड में असाइलम अप्लाई किया है वो सिंगिंग की बेस पे किया है या क्रिकेट की बेस पे किया है? मैंने असाइलम नहीं अप्लाई किया था, मैं माशाल्लाह वैसे वीजा मेरा एक्सटेंड, पहले 4 साल मैं क्रिकेट खेल के वापस आता था, चले जाता था, ठीक है जी। उसके बाद जब मैं 5 दफ़ा तक गया तो फिर मुझे उधर ही, मैंने सोचा इधर ही सेटल हुआ जाए। तो आप मुझे ये बताएं कि ये राहत फतेह अली खान के लिए अफवाहें फैला रहा है कि मैंने इसे गाना गवाना है पर वाजा करंटाला होएगा, ये क्या कह रहा है वो? कोई बात नहीं, उस्ताद है माशाल्लाह। उस्ताद अपने घर होएगा, तुसी आप उस्ताद हो। कोई बात नहीं, बड़े तो आप लग रहे हैं मुझे। नहीं नहीं सर, ये आपका देखिए, राहत फतेह अली खान माशाल्लाह लेजेंड अपनी जगह पर, वो उनके पास जो पटियाला घराने की सीट अपनी जगह पर, आपने राग आजाद किए हैं सर। जितने भी पूरे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, आर्टिस्ट हैं, मैं उन सबको पीछे छोड़ दूंगा, क्योंकि किसी ने आने वाली नस्लों के लिए काम नहीं किया। तो मैंने माशाल्लाह राग 11 लिख ली है और आज तक सब जी लॉन्च कर रहा हूँ। 4 महीने पहले, नहीं 4.5 महीने पहले मैंने अपना पहला राग भी लॉन्च किया, राग मोहब्बत।
वो इस वजह से सर किया कि मुझे जितनी 8 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे राग बहुत मुश्किल से याद है सर। मैंने 2 राग सीखे उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है। रागों के जो नाम है वो बहुत मुश्किल है और तकरीबन 300 से ऊपर जी राग है। ये ऐसे ही होते हैं जी राग भी, ऐसे जैसे फैमिली है, माँ बाप है उसके, आगे बच्चे फिर आगे के बच्चे। तो ये मैंने आने वाले नस्लों के लिए ये काम में। अच्छा, आपने ये राग अंडों पे बिठा गए और उनमें से बच्चे पैदा किए हैं? तो क्या हुआ, राग कहाँ से पैदा हो गया? 200-250 साल से कोई राग नहीं आया? नहीं आया। ये सर अल्लाह ने इज्जत ये लिखा था कि मैंने ही आके जी ये काम करना है, क्योंकि मुझे शुरू से आदत है कि मेरे पास कुछ भी हो तो उसको मैं शेयर करता हूँ। ऐसे सिंगिंग भी ऐसे ही है, ठीक है, कि जो आने वाली नस्लें हैं जिनको शौक है, अगर वो मेरे 11 राग ही सारा तरह जब लॉन्च हो जाएंगे, अगर वो 6 महीने गाएंगे सीखेंगे तो 6 महीने के बाद वो गाना शुरू हो जाएगा। तो सर आप 250 साल पहले से आए हुए हैं और राग अब अनाउंस कर रहे हैं आप? लेकिन राग मैंने बस ये अंदर से आवाज आती है कि आप कुछ करें, कुछ मुख्य चीज करें। तो इस वजह से सबसे पहले तो मेरे नाम बहुत इजी होंगे, जैसे एक राग आ गया राग वापस गा के बताए ना आपने, काफी बताया उन्होंने, जरा प्लीज। मेरा राग है पहला, उसकी मैं पहली लाइन ही आपके सामने पेश करता हूँ वो है। अच्छा, मैं आपको एक और गर्म पानी मंगाऊं आपके लिए, गला आपका खुश हो रहा है। देखने वाले को सबको बता दूं कि जो सिंगिंग है बहुत ही इजी है, हर कोई गा सकता है। किसी को बाथरूम में किसी को मेहनत की ज्यादा जरूरत है, किसी को कम मेहनत की जरूरत है। मैंने आज तक कभी बाथरूम में गाना नहीं गाया, हमेशा कमरे में अपने स्टूडियो में मेहनत किया। 8-8 घंटे माशाल्लाह लॉकडाउन में जी बैठा था। तो राग वो मेरा जो पहला राग है, जो सिंगर जो होता है, जो सिंगर अपने गले को मजबूत, मुझे बताए मैं दबाता हूँ दबा के गाना आपने अपने गले को मजबूत। अच्छा, मजबूत करना था, सिरमट ले आओ 3-4 दा यार, सिरमट लेके आओ। सबसे पहले जो मेरा राग मैंने जो लॉन्च किया राग वापस, वाह, पहली लाइन, पहली जो लाइन है वो आपके सामने पेश करता हूँ। छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं। आपको तो जो राग वो कम अज कम आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए या 20 या 25 जी राग ऐसे तो आप सीख नहीं सकते, क्योंकि मेरे जो राग होंगे छोटे बच्चे भी इंशाल्लाह सीख जाएंगे। चाह साहब, मेरी एक बहन है उसका नाम रूबी है ना, मैं इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि उसने मुझे ये कह दिया कि मैं आपकी फैन हूँ, तो मैं रूबी आपा से ये पूछना चाहता हूँ, आप इनकी जो फैन है तुम समझाने वाला कोई नहीं गा? आपा ये कहती है कि आपकी ड्रेसिंग की फैन है और आपकी ये गुलुकारी की फैन है, बिल्कुल है जी, तो इतने इतने बड़े नाम पड़े हुए हैं, वो आपकी फैन कैसे हैं? ये अल्लाह के कर्म, बेशक ये सारा अल्लाह के कर्म। मैंने अपनी होश में जब तक होश संभाली है, मैंने नहीं देखा कि 3-3 साल के बच्चे गाने गा रहे हैं, मेरे गाने भी गाते हैं, उनको खुशी होती है। आपने बिल्कुल इजी कर दिया गानों को, इजी कर दिया, जो लोग आज से 700 साल 800 साल पहले 600 साल पहले बारिश पड़वाते थे, तो अब आप जब गाना गाते तो क्या पड़ता है? नहीं, कुछ भी नहीं होता, नहीं लगता कोई मुर्गे दी लत्ता लदोने पैण नहीं लग बंदी हुंदी। वाह, उस्ताद जैसे फतेह अली खान साहब पलटा भी करते थे, सबों को फुट करते थे, माशाल्लाह। लेकिन मैंने किया, मैंने माशाल्लाह जी कर दिया, थोड़ा सा दिखा जी प्लीज सर के फ्री आती है जब आप बहुत जोश में जी गाते हैं। मैं थोड़ी सी ना दिखवाली का एक आदि गाता हूँ। किन्ना सोना तेनु, किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रावा, अलबे पेते से जी किन्ना सोना तेनु। इसके सरगम कहते ये माशाल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मेरी जो 1-2-3 है, 1-2-3 अलबे पेते, ठीक है जी, ABCD, ये माशाल्लाह मेरे कुछ गानों में आ चुकी है। और कैसी पजीराई मिली है इस दफा के चाहत फतेह अली को, और पहले जो 4 साल पहले आया था पाकिस्तान में, माशाल्लाह बहुत अच्छी, हर चैनल आपके पीछे है, ठीक है, हर चैनल आपके पीछे है। सबसे पहले
तो पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं, पाकिस्तानी, फिर इंडिया वाले, बिल्कुल, उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं अभी माशाल्लाह उमरा करके आया हूँ। माशाल्लाह मुबारक हो आपको। उमरा जी किया है जी 2.5 महीने पहले। तो वहाँ पे मैं सजदे में जब होता था, नमाज पूरी करता था, तो पीछे कम से कम 20 से 40 प्यार करने वाले खड़े होते थे कि मैं, मेरे साथ फोटोग्राफ लेनी है, सेल्फी भी लेनी है। इस तरह अल्लाह का शिक्र है, मैंने तो मेहनत की, मेहनत करता हूँ और ऐसे ही जारी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा एक और सवाल है मेरा, जो आप ये गाना गाते हैं उसमें जो पीछे वो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होते हैं उनकी तो आप मौत ही कर देते हैं, वो क्या बजाएंगे आपके पीछे? आपके पीछे तो कोई ताड़ी नहीं मार सकता। देखिए जी, मैं 3 दिन पहले गुजरांवाला में मसला शो था, तो कवाली ऑलरेडी कवाल उधर आए हुए थे। अच्छा, मैं भी इनवाइटेड था। तुम देख के नस गए? नहीं नहीं, फिर सारे सुनने वाले कहते नहीं जी, बस आप ही गए, आप ही गए। माशाल्लाह तबले वाले जी साहब थे, उन्होंने बड़ा अच्छी साथ दिया, बड़ा साथ दिया, सीने आने शुरू हो गए थे उनको। तो लेकिन ये कि पता क्या, आप रास्ता नहीं देते ना उनको निकलने का। जब अच्छा तबला या अच्छा ढोल बजता है या अच्छा ड्रमर होते हैं, मैं उनको साथ साथ अप्रिशिएट भी करता हूँ, उनका ख्याल भी रखता हूँ, साथ साथ पानी के पूछता हूँ, प्लीज पानी पिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उनके बगैर सिंगर कुछ भी नहीं है, म्यूजिशियन के जी बगैर। आप मुझे ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह काफ़ी आशक मिजाज लगते हैं, तो शादी का क्या इरादा रखते हैं? सुना आपने शादी नहीं की अभी तक। ये फुआ किसने फुलाई है? इस बात को सीधे रात में रखा है। पर्दे में रहने दो, एक गागे बताएं जरा प्लीज। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। हमारी भाभियां कितनी है माशाल्लाह? मैं ये पर्सनल क्वेश्चन अपनी। ठीक है जी, ठीक है। मेरे भाई की शादियां हैं, ये शादीशुदा हैं, बस यही काफी है। ठीक है सर, ये आप शादीशुदा है ना? ठीक है, चले। जो आपकी फैंस हैं लड़कियाँ, वो 21 शादियों की मुझे ऑफर हो चुकी है। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि देख जाके क्या करूँ। नहीं जी, जो आपकी फैंस आपके लिए क्रेजी फैन है, जी 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 जी, वो आपके लिए अपनी नब्जे काटती फिर रही है। वो पेंट करके मुझे 3-4 दफा आ चुके हैं ना, मैसेज आ चुके हैं आपके इंग्लैंड वाले नंबर पे, आपके चेहरे पे ब्लेड मार दिया। नहीं, नहीं, नहीं। क्या कह रहे हैं सर, क्या फरमा रहे हैं अभी? यहाँ पे आते ब्लेड मारे किसी ने? अच्छा टैटूज बना देती हैं, ठीक है, आपको यानी कि इम्प्रेस करने के लिए। चाह साहब ये बताइएगा कि आप तो रूहानी शागिर्द हैं रसद फतेह अली खान साहब के, तो आगे आपकी जो लड़ी है शिगिर्दों के हिसाब से जी जी, वो कितनी बड़ी है? माशाल्लाह मार्च अप्रैल में बहुत लंबी की चले जाएगी। लड़के लड़कियां औरतें बंदे पूरी दुनिया में, छोटे बच्चे बच्चे भी कहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला मार्च अप्रैल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने लगा हूँ। ठीक है जी, क्योंकि हर जगह पे तो आप स्टूडियो नहीं जी बनाते। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ऑनलाइन। तो आपके सबसे बड़ी दुश्मनी जो है वो पटियाला खानदान के साथ है? देखो मेरा खानदान अल्लाह वाला, मुझे पूछा आपका खानदान कौन सा, मैं कहता हूं अल्लाह वाला। नहीं मेरी बात सुने ना, वो जो आप गाते हैं तो वो तो उनको जब सुनते हैं वो तो मतलब मैंने सुना है कि जो खान साहब लोग हैं वो छुरियां लगा के आपको ढूंढ रहे हैं। हमेशा याद रखे, मैं किसी की ना किसी के कोई हक या रोजी नहीं ले रहा, ये अल्लाह ताला की निश्चित तौर ये आप ये बताइएगा कि आपकी दुश्मनी खान साहब घराने के साथ नहीं है? किसी के साथ नहीं। ठीक है, अब मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, मैंने अब और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दी। मेरे माशाल्लाह 19 ट्रैक मैंने 1.5 साल में रिलीज किए हैं, 9 उसमें से हिट हुए हैं माशाल्लाह। तो ये कहाँ आ रहे हैं, हमने तो देखे नहीं है। जहाँ पे मैं जी जाता हूँ जगह जगह पे छोटे बच्चे बच्चे जी कहते हैं, 5 मेरे रेडी हैं और मेरा खान नेक्स्ट वीक में मेरा एक और आएगा इंशाल्लाह। मेरे मैंने सुना है कि वो जब आप गाना गाते हैं तो मेहंदी हसन साहब की रूह बड़ी तड़पती है, आपके ख्वाब में कभी वो आए हैं? बहुत बड़े मास्टर जी सिंगर थे, उनको जवारे रहमत में जी जगह, इलाही आमीन। नहीं उनका मैं अक्सर कभी कभी जी कहता, प्यार भरे अल्लाह अकबर, प्यार भरे
हूँ जंगे रहे हो खान साहब तुम्हें कहा कि इन्होंने ठंडा पानी पा दो एयरपोर्ट से जाके तुसी दिन ठंडा पानी पाया नहीं हूं देख लो आपके तरफ से कह रहा मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है कोई मुकाबला नहीं है मेरा अपने साथ ही होता मुकाबला ठीक है मैं मतलब अपनी मेहनत में लगा रहता हूं फोकस मेरे गानों की तरफ लिखने की तरफ होता है म्यूजिक की तरफ होता है पर ऐसे ही माशाल्लाह अल्लाह ताला सारा काम करता है। अब ये बताइएगा कि आपको पाकिस्तानी या इंडियन हीरोनों में कौन सी हीरोइन ज्यादा पसंद है? तो आपको बाहर कौन निकालता जब आप डूब जाते हैं? कोई भी उसको किरदार दिया जाए उसके अंदर डूब जाता है उसकी जो डिलीवरी ऑफ डायलॉग है वो बड़ी अच्छी है माशा और बाकी अफ्रीका की लड़की माशाल्लाह नहीं माशाल्लाह पाकिस्तानी भी हमारे पर बड़े अच्छे ये आर्टिस्ट है उनको ऐसे बिल्कुल भी ठीक है पाकिस्तान में जो जो लड़की मुझे जो है आपको इंस्पायर करती है जो म्यूजिक नूरजहां के आज मैंने मुझे दिल कर रहा था कि मैं नूरजहां के दिखाना है अच्छा उनके पंजाबी गानों में अभी पावर है 50-60 साल पहले उन्होंने दिखाया है ठीक है तो बाकी अल्लाह खैर करे बाकी अल्लाह खैर करे बाकी ये भी गाया आपने जाते जाते ये एक सबक दें आने वाली नस्ल को के गुलूकार बने या ना बने बिल्कुल सुने सिंगिंग गाना हर कोई गा सकता है ठीक है हर कोई गा सकता है किसी की आवाज मोटी है पतली है भारी है हर कोई गा सकता है गाना चाहिए ठीक है जी लेकिन ये मेहनत का काम है फिर जब समझ लें कि मैंने ये काम करना है तो उसके पीछे फिर हटना नहीं लगे रहना है लगे रहना है और उसको एंजॉय करें सिंगिंग को म्यूजिक को एंजॉय करें। पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड स्टार रंगीला साहब के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं उनके साथ आपकी थोड़ी सी जो कॉमेडी आपकी मिलती है उनके साथ? देखिए आज मैं आपके तरफ से सबको बता रहा हूँ मैं जब परफॉर्म करता हूँ मैं अपनी तरफ से प्रॉपर प्रॉपर सीरियस होकर करता हूँ लेकिन आप देखने वाले कोई हंस रहे हैं कोई कुछ लिख रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा वो हंस रहे हैं आप जरा सा टच से मस नहीं हो रहे आप अपनी सिंथ पे हैं। मैं तो परफॉर्म कर रहा हूँ आपको वो मेरी जो परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगती है बिल्कुल एंजॉय करते हैं बिल्कुल ठीक है जी सारे फिल्म स्टार जो टीवी स्टार हैं वो सब आपको ही देख रहे हैं ये क्या हो गया ये कौन सा मंत्र आपने पढ़ा है? बड़े बड़े बिग स्टार जो आपको देख के देख रहे हैं मेरी जी दुआएं हैं ठीक है जी और मेरी मेहनत है लगातार मेहनत लगातार ही मेहनत है जी। हमारे साथ थे चाहत फतेह अली खान साहब और इन्होंने बड़ी मोहब्बत और खुलूस दिल के साथ हमारे साथ इंटरव्यू किया और हमसे वो बातें भी की जो हमने इनको हंसाने के लिए या आपके दिल को खुश करने के लिए की तो इन्होंने बड़ी मोहब्बत और खलूस के साथ जवाब दिए। अगर आपको इनके बारे में कोई अच्छी बात करनी है कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिए और अगर आप इनके साथ दोबारा हमारा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा हम इनसे वंस अगेन इनसे रिक्वेस्ट करेंगे ARS पाकिस्तान ARS पाकिस्तान के स्टूडियो में हूँ माशाल्लाह बहुत मजा आया भाई के साथ इंटरव्यू करने का बातें करने का बहुत मजा आया इनको ज्वाइन करें इनको सब्सक्राइब करें और जहाँ पे भी ARS पाकिस्तान माशाल्लाह।